जय श्री राधे। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका अपना दोस्त मोहित। अब तो आप जान ही चुके हो कौन हूं यार। अभी सुबह सुबह हम निकले हैं दूध का पैकेट लेने के लिए नूरपुर में। दूध खत्म हो चुका है, हमें बनानी है चाय, तो चलो जल्दी से दूध लेकर आते हैं और उसके बाद बात करते हैं आपसे। वैसे किसी भी ठंडी जगह जाने का मज़ा बहुत है भाई। अभी सुबह सुबह नहा के निकला, ऐसी तैसी हो गई, पानी इतना गर्म नहीं हो पाया था और मैं नहा लिया। दिस वे हमारे साथ है शोभित जी। हाँ, सांस बड़ी जल्दी फूलती है यहाँ पे। भैया फाइनली हम निकल चुके हैं अपनी ट्रिप के लिए। ट्रिप क्या मतलब, पंकु भैया बताएंगे आज हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। पंकु भैया आज हम जा रहे हैं जोध, जोध खजियार और डलहौजी। तीन जगह हमें आज एक्सप्लोर करनी है और देखते हैं कितना कर पाते हैं। ठंड बहुत हो रही है, वैसे वैसे जैसी हो रही है, ठंड के मारे बोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं आपके लिए केवल आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो इसी बात पे एक लाइक जरूर कर देना। ये हमारी गाड़ी आ गई भैया, चलें। आज भाई साहब ही हमें घुमाने वाले हैं, SP12N7999। चलो भैया बैठते हैं गाड़ी में, ठंड ज़्यादा ही लग रही है। हाँ भैया, ब्लॉगिंग करने का ये ब्लॉगिंग का ये तो फायदा है कि आपको सीट अच्छी वाली मिलती है। सॉरी तो बैठ गई अपनी टीम। चले श्री राधे। कहीं पे भी वोमिटिंग के लिए रुकते हैं, पहले फोटोज क्लिक करने के लिए लग जाते हैं। जो इस बंदे को वोमिटिंग होती है वो तो वोमिटिंग कर रहा होता है, तो बाकी सब लग जाते हैं फोटो क्लिक करने में। क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? अरे ग्रुप फोटो लेना है, चलो चलो चलो। ये क्या है, पीछे मत कर जाएंगे, होती सी रह गए भाई, कैमरा छोड़ दे सेल्फी। अरे हां छोटा सा उनको अपन सेल्फी सेल्फी सेल्फी। चलें, ये देखो आशिकी वाले कपल, इनकी अलग नौटंकी चलती रहती है ये। अरे भाई साहब गाड़ी में बैठा के ही मानेंगे ये, तो ये होते हैं ऐसा लग रहा वाकई में विदाई चल रही थी, ऐसा लग रहा था भाई विदाई कर रहा है क्या। तो अभी हम आ गए हैं जोध जगह, कोई जोध वहां पर आए हैं और यहाँ से व्यू जो देखने को मिलता है अमेजिंग गाइस, यार अमेजिंग, मतलब वाकई में ऐसा लग रहा है कोई जन्नत में आ गया हूँ यार मैं तो। पहले आपको व्यू दिखाता हूँ, ये हमारे साथ की तरह बहुत पीछे रह गए सारे, सब डेरे डाले हैं ये ऐसे ही, सबसे ज़्यादा एनर्जी मेरे अंदर ही बनी हुई है। और आपको व्यू दिखाते हैं, आर यू रेडी? या ये देखो भाई साहब पहाड़ी पहाड़। आप लोगों को कैमरे से दिखाई तो नहीं दे रहा होगा अच्छा क्लियर, लेकिन वहां पे मेरे सामने बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जहाँ बर्फ गिरी हुई है। वाओ, यहाँ से जो सीन नजर आ रहा है इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, मतलब ब्यूटीफुल जस्ट अ वेरी स्मॉल स्मॉल वर्ड फॉर दिस। लुक एट दिस व्यू, ये है रियल व्यू। वो देखो पहाड़ सामने दिख रहे हैं, लग गए प्रेमी जोड़े। भाई इसका बटन होता है। ओह माय गॉड। यहाँ पे तो क्लिक कर लिए सारी सेल्फीज, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सोभी जी कैसा लगा? अच्छा नहीं 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 कैसा लगा? अच्छा लगा। अरे यार फिर वही बात, लगा कैसा? ये हुई ना बात, ऐसे बोलो।
हमारे हैं पिट्टू भैया। ये अरे पिट्टू भैया, अरे पिट्टू भैया हमें भी उठा लो, खाने के लिए जन्म हुआ है मेरा। दोनों 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 मुझे को तो पता है। वहाँ से आए हम लोग, फाइनली हम पहुंचे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे अपने। इसको ट्रांसफार्मर पे जाना हो या तो अभी नहीं पहुंचे, अभी पहुंचने थोड़ा सा और है। बहुत ऊंचाई पे आ गए यार हम, ट्रैकिंग बहुत ज्यादा कर ली। अब वो तो नीचे रह गया। हमारे दो विकेट तो डाउन हो गए, एक मंकू और एक भाभी, इन दोनों की तो हो गई। और ये हाँ कपल, एक कपल डाउन। और घर पे बड़ा मजा बना था मेरा, ये मंकू खुद ही ने कर दिया आ करके। और इम्यूनिटी बनाने से बनती है। शोभित क्या हुआ? शोभित बता से क्या हुआ था? शोभित बता ना भाई, अरे वैसी बैटरी नहीं है यार, बता दे जल्दी। बता दे ये वो जगह जहाँ पे गदर की शूटिंग हुई थी, झुमके वाला जो सीन हुआ है, और ये चला गया जानवर। अरे ऐसे मैं ट्रेन में नहीं छोड़ा, मैं यहाँ कैसे छोड़ दूंगा इन्हें। तभी तो अरे MMS नहीं। आई गजब।